तो ऐसा क्या बात आ गई कि लोकसभा चुनाव जीता, अब नजरें 27 पे हो गई, अब राजभर यहाँ से 2 बार जीते, ओम प्रकाश राजभर जी उनका दबदबा है और उनके बीच में फिर आप लोग खड़े वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का सोच जो है ना, तो मेरा तो मांग जौहराबाद में टिकट कर डॉक्टर रामकरण बिंद के लिए है। हाँ, बीजेपी पार्टी से आप लोग रहते हैं तो कैसे लड़े भाई? बीजेपी पार्टी उनको टिकट दे देती है तो उनका ऊपर की राजनीति है ना। नमस्कार, इस समय विधानसभा जौहराबाद में है, आज कुछ लोगों की उपस्थिति हुई है और इस जौहराबाद के ही ये जनता है और यहाँ के नेता भी है, यहाँ के जनता भी है, इनके बीच में है और इनके कुछ बातें हैं। क्या बातें हैं, आइए सीधे मुलाकात करते हैं, इनसे बात करते हैं। स्वागत है नेताजी। आपका भी स्वागत है मिथिलेश भैया। अभी देखा जाए तो यहाँ कुछ लोगों का जो है नजरे भी है, जैसे देखा जाए तो अभी रतनपुरा से भी कुछ लोगों का दावेदारी है, जैसे कि जौहराबाद से जो है चुनाव लड़ने का। आप लोग बीजेपी से काफी दिनों से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या ऐसा बात है कि बीजेपी के हर एक नेता जौहराबाद पे नजर रख रहा है, आप लोग का नजर कहाँ है? देखिए, जौहराबाद विधानसभा जो है, यहाँ जो विधानसभा हम लोग का है, जो दूसरे विधानसभा के लोग जो आ रहे हैं जौहराबाद विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए, ये तो गलत बात है। जौहराबाद विधानसभा में जब प्रत्याशी नहीं मिलेंगे तब ना दूसरे विधानसभा से आएंगे लड़ने के लिए। नहीं, कहीं उनके नजर में लग रहा है कि जौहराबाद में कोई प्रत्याशी नहीं है, इसलिए वहां से दावेदारी करने के लिए उतर आते हैं। नहीं नहीं है प्रत्याशी है जौहराबाद में, बाकी हमारे पार्टी के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में जो काम कर रहे हैं उस प्रत्याशी पर वो ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, जैसे राजभर बिरादरी के जो दूसरे विधानसभा से आ रहे हैं, हमारे जौहराबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर रामकरण बिंद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, बिन केवट मला माझी समाज के वो प्रदेश के महासचिव भी रहे हैं, इस समय भी हैं और भाजपा के प्रदेश जिलाकार समिति में भी हैं और मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, कितने साल से भाजपा से आप लोग का ताल्लुक है? अरे भाजपा में हम लोग आज से थोड़ा नहीं है, कम से कम 35 साल से भाजपा में हम लोग काम कर रहे हैं, 40 साल से। तो ऐसा क्या बात आ गई कि लोकसभा चुनाव जीता, अब नजरें 27 पे हो गई, अब राजभर यहाँ से 2 बार जीते, ओम प्रकाश राजभर जी उनका दबदबा है और उनके बीच में फिर आप लोग खड़े? वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का सोच जो है ना, ये अपने पार्टी में जो राजभर बिरादरी के हो चाहे बिन समाज के, जैसे हमारे रामकरण डॉक्टर साहब है, ये बिन समाज के नेता है, वरिष्ठ नेता है, बाबू लाल बलवंत जी थे तो स्वर्गीय तो गुजर गए बेचारे, और रामकरण डॉक्टर जो है ये बेचारे भारतीय जनता पार्टी में तन मन धन से ये काम कर रहे हैं। इनके पास हर समाज में पकड़ है, हर समाज के लोग इनको मानते हैं, जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर बड़ा पूर्वांचल के बड़े नेता है, दिग्गज नेता है। मैं दिग्गज तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है ना, अभी रामकरण को टिकट दे पार्टी के साथ रहे तो दिक्कत नहीं हो जाएगा? नहीं, उनके आगे कहीं रामकरण बिंद जी अभी कहीं उतना चर्चित नहीं है। बहुत चर्चित है, चर्चित बनाया जाता है ना। अच्छा, चर्चित उनसे ज्यादा चर्चित है रामकरण बिंद जी। जौहराबाद विधानसभा में कौन नहीं जानता है रामकरण बिंद जी को? अच्छा, हम लोग साथ में हैं, हम लोग नहीं जान रहे हैं? बिन समाज के सारे लोग जानते हैं, गैर समाज के समान बिरादरी के लोग, किसी भी जात वर्ग के, दलित पिछड़ा वर्ग के लोग भी सारे लोग से जानते हैं रामकरण डॉक्टर को, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनका स्वभाव भी अच्छा है। तो यानी कि अब ये मानना तय हो गया कि बीजेपी से अब राजभर को टिकट देने से इनकार करेंगे? सर, हर हमेशा राजभरे लड़ेंगे आके दूसरे दूसरे दल से या पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे? नहीं, बीजेपी से वो भी है तो आप ही के पार्टी से है, आप लोग ही बीजेपी से है। हमारे पार्टी से कहाँ है, कहाँ है? बीजेपी से अभी वो मंत्री बने हैं। अरे भाई, मंत्री हुए हैं ना, गठबंधन ना है उनसे। वो रतनपुरा से आकर कोई मांग रहा है, कोई गाजीपुर से आकर मांग रहा है, कोई बलिया से आकर मांग रहा है कि मेरा राजभर क्षेत्र है, तो यहाँ केवल राजभर क्षेत्र नहीं, केवल राजभर को टिकट मिल जाने से चुनाव नहीं जीत जाएंगे। इसमें तो हमारे पार्टी को गंभीरता से लेना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जी जान से लगा है, जमीन पर काम कर रहा है, उसको भी टिकट चाहिए। तो हम लोग तो भाई डॉक्टर रामकरण बिंद जी को नेता अपना मानते हैं और अच्छे कार्य करते हैं, हर समाज में रहते हैं, सर्व समाज का काम करते हैं, तो मेरा तो मांग जौहराबाद में टिकट कर डॉक्टर रामकरण बिंद के लिए है। हाँ, हम अपने ये बताइए कि जौहराबाद की अगर बात किया जाए, जौहराबाद में जो है जो हलचले हैं, अब 27 के चुनाव से पहले ये खुलासे आ रहे हैं कि बीजेपी पार्टी से दिग्गज नेताओं का भी कहना है कि यहाँ
आजमाइश करेंगे। अब बीजेपी पार्टी के तमाम नेता का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर यहाँ से बीजेपी पार्टी से आते हैं, बीजेपी उनको टिकट दे देती है, तो बीजेपी पार्टी से आप लोग रहते हैं तो कैसे लड़ेंगे? भाई बीजेपी पार्टी उनको टिकट दे देती है तो उनका ऊपर की राजनीति है ना, ऊपर से उनका टिकट आ जाता है। अभी कल अक्षय कुमार बोले कि बीजेपी अगर वैसा करेगी तो हम बीजेपी में क्यों रहेंगे, कांग्रेस सपा का हाथ। बीजेपी क्यों कमजोर हो रही है? जो दूसरे दल का आकर टिकट मांगते हैं और जो बीजेपी में काम करने वाले हैं उनको टिकट ही नहीं मिलता है। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आप लोग को मौका नहीं दिया जाएगा तो आप लोग भी इस तरह से बात करेंगे? हम लोग अपने घर बैठ जाएंगे ना, क्या करें? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे, बल्कि अपने हक के लिए तो मांगेंगे ना। हम लोगों को भी तो मांगना है, हम लोग भी 40 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं तो जीवन भर काम करते रहेंगे कि पार्टी आज तक कोई मेंबर सदस्य कुछ बनाना चाहिए ना पार्टी को, कि उनको देखना चाहिए ना, सर्वे करना चाहिए कि कौन हमारे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, कि दूसरे दल का आ गया आ उसको टिकट दे दिए। जहुराबाद में सारे नेता हमारे पर हैं हर दल के, अब राम बिन समाज में नेता जहुराबाद में रामकरण डॉक्टर हैं, उनको टिकट दे, हम लोग मांग करते हैं रामकरण डॉक्टर को कि भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट दिया जाए। भाई कोई लड़ेगा तभी तो कोई फैसला होगा, पीछे पीछे घूमते रह जाए, हम लोग जीवन बीत जाए, हम लोग न टिकट मिले न कुछ मिले। अमित शाह से बड़ा बनता है राजभर जी का, तो कहीं ना कहीं अमित शाह से बड़ा उनका कनेक्शन है। तो अभी एक और बात आ रही है कि योगी जी के जगह पे अगर अमित शाह आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मजबूती हो जाएगा राजभर जी का कनेक्शन। अरे भैया मजबूती हो जाए वो अच्छा बटे, बाकी हम लोग तो जहुराबाद में अपनी मांग करते हैं ना, तो जब वो सीएम बन जाएंगे तो और जगह और पद खाली है ना, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से जगह खाली है ना, कार्यकर्ताओं को कहां भरा जा रहा है? तो राजभर हटेंगे नहीं पार्टी में, सरकार में बहुत से जगह खाली है, जो कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करे ना, भारतीय जनता पार्टी जो पुराने कार्यकर्ता है उनको एडजस्ट कर देना, बहुत से पद खाली है।